हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल की डेट में यहाँ पर दो वीडियो से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी, जहाँ पर अगर हम बात करें एसबीआई कार्ड्स की, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट भी आ रहा है। थोड़ा सा इस बार वेट करेंगे तो ब्रेकआउट होकर शेयर निकलेगा भी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर एक और स्टॉक से रिलेटेड, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हमने बात करी थी। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर बाइंग करने का एक अच्छा खासा लेवल है या नहीं है, तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बात करी थी। और हम आज की डेट में क्या बात करने वाले हैं, आज की डेट में हम बात करने वाले हैं विंडलाज बायोटेक लिमिटेड के बारे में। विंडलाज बायोटेक करती क्या है, इसके फाइनेंशियल कैसे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, एज वेल एज इसके अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न किस तरीके से है, क्या हमें इस टाइम खरीदना चाहिए या किसी के पास टॉप पर ये अगर है तो उसे क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। एज वेल एज हमारे यहाँ पर अगर आप जाएंगे प्ले डिस्क्रिप्शन में, तो एक आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, किसी को अगर हमारी पेड सर्विस चाहिए तो आप वहां पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट करें वीडियोज में, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरी वीडियो को जाके देखिए। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करनी है, यहाँ पर सीखना है, और सीखने के लिए किसी तरीके का ज्वाइन बटन नहीं है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं विंडलाज बायोटेक की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी करती क्या है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, इज अ लीडिंग डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, इसका सीडीएमओ में काम करती हुई नजर आती है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स डोसेज फॉर्म्स एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सीडीएमओ सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स। तो यहाँ पर देखिए, ये कंपनी है तो इनका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं। यहाँ पर डोसेज, यहाँ पर अगर बात करें सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में जो मार्केट में मिलती है वो सब मिलता हुआ नजर आता है। एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें ये जेनरिक प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और विजिट करेंगे तो आपको एक और अच्छा खासा आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, कितने टाइम से ये कंपनी यहाँ मार्केट में है। देखिए 2001 में यहाँ पर अगर बात करें डेवलप सर्विसेज यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 954 एम्प्लॉइज इसके हैं। और अगर हम बात करें इसमें और भी बहुत सारी चीज की, तो यहाँ पर देखिए फैसिलिटी इन देहरादून उत्तराखंड, वी ऑल्सो हैव अ सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस 14 स्टेट, मतलब 14 स्टेट्स में ये कंपनी अभी काम करती हुई नजर आती है। वी मार्केट आर ओन मैन्युफैक्चर ऑथेंटिकेट न्यूट्रास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एंड आयुर्वेद प्रोडक्ट टू सर्व द सेमी अर्बन एंड रूरल कम्युनिकेट एट अफोर्डेबल प्राइस। मतलब कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अपने खुद के ब्रांडेड यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचती हुई नजर आती है, जो कि आयुर्वेदिक भी है, यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14% ऑफ द स्टाफ वर्क्स इन द क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ये चीज को भी देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंक्लूड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, 100 लीडिंग डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स एमएनसीज एसोसिएट है, इनकी पार्टनर है अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होगी ऑब्वियसली बात है इनके साथ यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, वो भी आपको यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर देखना है तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट में ही प्रोडक्ट में जाइए, फार्मा में जाइए, तो आपको पता चलेगा ये किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप एक बार जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी आर ऑलमोस्ट द टॉप 5 प्लेयर इन द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, अरे सीडीएमओ में ये टॉप 5 प्लेयर्स में ये आती है, इस चीज को याद रखिए। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखना चाहिए, 1.5% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में यहाँ पर आता हुआ कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वी हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजी बिजनेस वर्टिकल्स सीडीएमओ सर्विस एंड द प्रोडक्ट डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक एंड ओवर द काउंटर
और ब्रांड एंड एक्सपोर्ट ये भी करती हुई कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर इनके इन्वेस्टर्स है, या इससे रिलेटेड यहाँ पर करियर से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस मॉडल, हमें समझ में आया कि कंपनी यहाँ पर टॉप 5 अगर बात करें CDMO में काम करती हुई नजर आती है, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी इसके लिए प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है एक तरीके से ये कह सकते हैं। इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, 781 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है, स्मॉल भी नहीं कहेंगे माइक्रो कैप कहेंगे। और यहाँ पर अगर देखें पी रेशो 49 का यहाँ पर पी रेशो है, ROCE 19 के आसपास की ROCE है, ROE 7 की है, तो 19 के आसपास की ROCE काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। 16% का डेट है, ज़्यादा डेट भी नहीं है, प्लेजिंग भी ठीक ठाक प्लेजिंग भी नहीं है। और यहाँ पर देखे तो 452 रुपीज़ पर ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद से एक अच्छी खासी गिरावट है। फेस वैल्यू यहाँ पर 5 रुपये की है, और अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप देखेंगे कि ये शेयर पहले आया नीचे गिरा फिर उसका ऊपर भागा, और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर्स यहाँ पर पहले शेयर को ऊपर ले गए, दिखाया कि हम यहाँ पर भगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल क्या है उस चीज से भी रिलेटेड हम बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जून 2020 में 102 करोड़ रुपए की सेल्स थी, मार्च में 106 हुई, और यहाँ पर अगर हम बात करें जून 2021, तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर सेल्स में जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर सेल्स में जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो घाटे घाट जहाँ पर घाटा था वहाँ प्रॉफिट में कंपनी आ गई है ईयरली, और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर बताता है कि ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर अदर इनकम में इनका नेगेटिव था, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट, अदरवाइज ये भी प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई देता। ये तो हो गया कंसोलिडेट। स्टैंड लोन की भी अगर हम बात करें तो स्टैंड लोन भी यहाँ पर सेम ही है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो 2016 से हिस्ट्री, लगभग 5 साल की हिस्ट्री हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें सेल्स, तो 274 करोड़ की सेल्स थी, फिर 315, 320, 288 यहाँ पर आया, कम होती हुई दिखाई दी, फिर उसके बाद देखें 329, तो हाईएस्ट एवर 2020 में सेल्स। 2021 का यहाँ पर डेटा दे नहीं रखा है, देखिए 2021 का भी है, क्योंकि अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड डेटा है, तो यहाँ पर ये अगर देखते हैं तो 2019 में जैसे कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर अभी देखा था घाटे में थी, बट फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट में आई, और अभी की बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स हुई है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पैंडमिक अभी था, तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस मिलना ही था, बट इससे पहले भी कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी। नेट प्रॉफिट की बात करें 11 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ 64 करोड़ का प्रॉफिट, ओके। यहाँ पर अगर बात करें अदर इनकम भी ज्यादा होती हुई दिखाई दी थी इस वजह से, और यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट तो 16 करोड़ का है, फिर दोबारा 16 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कंपनी एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में रही है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व्स यहाँ देखिए 193 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें 32 करोड़ की यहाँ पर इस बार की बोरिंग है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 23 करोड़ रुपए का है, और कोई भी यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसा नहीं है। कैश की बात करें 31 करोड़ रुपीज का कैश भी है, और यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर हमेशा अभी तक पॉजिटिव है। और भी कुछ चीजों की बात करें तो ROC देखिए 16 था, फिर 12 हुआ, फिर 19, मतलब इनका ROC बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 100% शेयर मतलब कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 21,2,17,94,375 शेयर है, जिनमें से प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 60% का स्टेक्स यहाँ पर प्रमोटर्स ने ले रखा है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ पर आप देखिए 8% के शेयर है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें 6% के शेयर इनके पास है। अदर्स के पास देखें तो यहाँ पर 3% के शेयर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5.33% के, और यहाँ पर जनरल पब्लिक की बात करें तो लगभग 17% के शेयर है, जिसमें यहाँ पर बड़े लोग भी होंगे और सब चीज़ यहाँ पर होती मतलब अलग अलग बड़े बड़े लोग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे, चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर आया करता 16 अगस्त को, लगभग एक महीना हो चुका है एंकर इन्वेस्टर्स ने अगर इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा यहाँ पर रिएक्ट करते हुए भी नहीं दिखाई दिया, थोड़ा सा ये शेयर को यहाँ पर तोड़ा भी है, ओके, ज़्यादा यहाँ पर शेयर को भी नहीं तोड़ा। इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि एंकर इन्वेस्टर अगर बेचना चाहते ना, वो एक साथ ही यहाँ पर अच्छा खासा शेयर बेचते, और शेयर अच्छा खासा बेचने के बाद यहाँ से निकल भी सकते थे, बट वो यहाँ पर निकले नहीं है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर, और जितना कंसोलिडेट करेगा ना उतना इस शेयर के लिए अच्छा है,
करके आफ्टर कंसोलिडेशन जब शेयर भागना शुरू करता है तो अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नीचे के सपोर्ट लेवल की, तो नीचे का ये जो सपोर्ट लेवल है ये 332 और यहाँ पर अगर हम बात करें 338, मतलब 330 रुपए के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है ना ये काफी बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है, बट अगर हम बात करें तो ये शेयर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर नीचे जरूर आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो RSI यहाँ पर 35 की RSI चल रही है, तो शायद थोड़ा बहुत और गिर गिर के शायद इसके आसपास 340 रुपीज के आसपास यहाँ पर गिर सकता है, और 340 के आसपास अगर ये गिरता है तो यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर पोजिशन ले लेनी चाहिए अगर किसी को यहाँ पर लेनी है। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये शेयर कितना गिर चुका है, ये शेयर भी देखिए 20% ही गिर चुका है। तो अच्छे शेयर जो यहाँ पर नजर आते हैं यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर 20% पर थोड़ी सी बाय ऑन डिप्स कर करके थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद लेनी चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पर ले रखी है कोई हिस्सेदारी तो यहाँ पर लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कल भी बताया था एप्टस का, तो एप्टस में भी देखिए सेम तरीके का ही चार्ट पैटर्न बन रहा था, और आपको बताया था कि जितने भी ये नए IPO आते हैं एटलीस्ट उन्हें 6 महीने से 1 साल का टाइम यहाँ पर देना चाहिए। उसके दौरान यहाँ पर कभी भी ये शेयर यहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर गेन आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो ऑब्वियसली बात है इसी लेवल पर होगा जब यहाँ पर 450 रुपए का ये लेवल निकालेंगे, बट अभी भी शेयर ये अच्छे खासे लेवल पर मिल रहा है, और किसी को अगर ये 10-20 रुपए और यहाँ पर टूटता हुआ मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर खरीदने की। और उस टाइम अगर हम बात करें RSI यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन पूरा ये कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। इसके अलावा एक चीज और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कप विद हैंडल पैटर्न का चार्ट पैटर्न तरीके से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट दीजिए तो यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर के लेवल पर, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एक इसने कप बनाया, कप बनाने के बाद ये यहाँ पर हैंडल बना के शायद ये इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाए। टारगेट की अगर हम बात करें इस कप छोटे से कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि कितने टारगेट नजर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं और इसे उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने टारगेट नजर आ रहे हैं। तो इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं कितने 488 के। तो अगर 488 रुपीज अगर ऐसी बात है यहाँ से बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज टर्म में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट कितना लगभग लगभग यहाँ पर 35% के आसपास के यहाँ पर गेन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेयर है, अब बहुत अच्छे अच्छे शेयर है जिनका एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न भी है, बट जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं ये स्पेशली उनके लिए है कि यहाँ पर अगर कोई फंसा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर शेयर ले सकते हैं। और जब यहाँ पर कैंडल रिवर्स होना शुरू हो जाए जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कार ट्रेड में देखिए ये शेयर लगातार यहाँ पर गिर रहा था, लगभग 20% ही गिरा था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक कप बनाता हुआ नजर आ रहा था, बट पोस्ट बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ जाए, दूसरे दिन भी ग्रीन कैंडल आ जाए, एट दैट केस आप यहाँ पर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके और बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर इसमें अपनी पोजीशन से यहाँ पर ले सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से विंडलास की बात करें तो विंडलास देखिए फाइनेंशियल्स अच्छे खासे हैं, ओके, इतने बेहतरीन भी नहीं है तो इतने बुरे भी नहीं है, कभी नेगेटिव में नहीं रही। और अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर CDMO में बिजनेस में काम करती हुई नजर आती है, तो फ्यूचर में शायद और भी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर और गेन मिले तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर गिरावट होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म में यहाँ पहुंचने के लिए, फिर लॉन्ग टर्म में यहाँ पहुंचने के लिए और थोड़ा सा भागने के लिए यहाँ पर। तो 1 साल का वेट, 6 महीने से 1 साल का वेट तो ऑब्वियसली बात है आपको करना ही पड़ेगा, यही स्विंग ट्रेडिंग का मतलब भी होता है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई क्वेरीज हो तो, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।